बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व्यूअर्स, आज हम अफ़ाक़सन सीरीज़ ग्रेड सिक्स में यूनिट नंबर 8 गुडनेस ऑफ हर्ट, दिल की अच्छाई एक सबक है। इसकी हमने रीडिंग भी की थी, एक्सरसाइज भी किया था। अब हम इसकी बुक एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसमें हमारे साथ पेज नंबर 63, 4, 65, 66, 67 और 68 पेजेस शामिल हैं। तो चलते हैं बुक एक्टिविटीज़ की जानिब। तो हमारे साथ पेज नंबर 63 पर पहला टॉपिक समरी स्किल्स है। व्हाट इज समरी स्किल? अ समरी इज अ ब्रीफ पैराग्राफ। समरी एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, मुख्तसर पैराग्राफ होता है, अबाउट अ टेक्स्ट और पोम, एक सबक के या नज़म के। इट डिस्क्राइब्स द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, ये आइडिया का यानी पैराग्राफ का मेन आइडिया बयान करता है। इट डज नॉट हैव अननेसेसरी डिटेल्स, इसमें गैर ज़रूरी डिटेल यानी वजाहत की ज़रूरत नहीं। तो पहले रीड द गिवन स्टेप्स ऑफ राइटिंग समरी ऑफ अ स्टोरी, नीचे दिए गए समरी राइटिंग की स्किल्स है यानी स्टेप्स है, उसको पढ़े। नंबर फर्स्ट, समबडी यानी कोई, किसी के बारे में जो कहता है उसके लिए। हु इज़ द मेन कैरेक्टर, इस कहानी का, इस मौजू का मेन कैरेक्टर यानी अहम किरदार किसका है। वांटेड, व्हाट डिड द कैरेक्टर वांट, और ये कैरेक्टर यानी किरदार क्या चाहता है। नंबर 3, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, और मसला क्या था। नंबर 4, सर हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, और ये मसला कैसे हल हुआ। नंबर 5, व्हाट वाज द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, और इस कहानी का मेन रिजोल्यूशन यानी हल क्या था। अब हम पेज नंबर 63 पर नंबर 3 रीड द स्टोरी अगेन, कहानी को दोबारा पढ़े। एंड फिल इन द ब्लैंक and fill in the following mind map and fill in the following mind map and fill in the following mind map और नीचे दिए गए mind map को यानी fill करें यानी पूरा करें। तो पहले नंबर पर इस सबक का मेन मौजू यानी टॉपिक जो है goodness of heart है, और इसके लिए पहला हम story of अकबर एंड जहांगीर लिखेंगे। नंबर 2, लाइव्ड इन द सेम विलेज, और तीसरी में अकबर हैड बेस्ट क्रॉप्स। नंबर 4, आउट ऑफ द जेलसी ही बर्नड अकबर्स क्रॉप। नंबर 5, जहांगीर लर्न अ ग्रेट लेसन। तो ये 5 माइंड मैप थे जो कि हमने इसमें लगा दिए। अब इस पर हम समरी लिखेंगे। तो पेज नंबर 63 पर नाउ राइट अ समरी, अब एक समरी लिखिए ऑफ द स्टोरी, कहानी के। इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में से, यूजिंग द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द माइंड मैप अबव, और वो मालूमात जो कि आपने माइंड मैप में लगा दिए उसको उसकी मदद से हल करें यानी इसकी मदद से लिखे। रिमेंबर टू फॉलो द स्टेप्स गिवन अबव, और ये बात याद रखना चाहिए कि आपने जो स्टेप दिए हैं उसको अपनाएं और उसकी मदद से इस समरी को लिखे। तो समरी आप लोग नोट कर ले। द स्टोरी इज अबाउट अकबर एंड जहांगीर हु यूज्ड टू लाइव इन द सेम विलेज। अकबर वॉज अ पर्सन
who always had best crops in his field. This was all due to his hard work. On the other hand, Jahangir always had poor crops due to his laziness. He was jealous of Akbar, and out of his jealousy, he once set fire to Akbar's crop. But at the end, Akbar helped him when his son was sick. Jahangir then realized his mistake and apologized for his wrong act. He learned a great lesson that goodness of the heart always wins. अब हम पेज नंबर 63 पर अगला टॉपिक स्टोरी एलिमेंट्स है, यानी कहानी के अनासिर। नंबर 5, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ मोरल स्टोरी। एक मोरल स्टोरी के बारे में नीचे दिए गए एलिमेंट्स यानी अनासिर को पढ़ें। नंबर 1, कैरेक्टर। कहानी में से पहले कैरेक्टर्स यानी किरदारों को माखूस किया जाता है, जैसे द पीपल, एनिमल और इमेजिनरी कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। ये कैरेक्टर्स लोगों के होते हैं, जानवरों के होते हैं, या ख्याली किरदारों के बारे में होते हैं जो एक कहानी को बयान करते हैं, यानी इसमें किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। चीज़, शख्स या जगह के लिए दैट टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी, जो कि एक कहानी में हिस्सा लेता है और कहानी में जो एक्शन बयान करते हैं उसके लिए हम पर्सन, एनिमल और थिंग्स को यूज़ करते हैं। सेटिंग, सेकंड नंबर पर हमारे साथ है सेटिंग। इट इज़ द टाइम, ये वक्त होता है, एंड प्लेस और जगह होता है, इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, जहाँ कहानी ने जगह लिया हो, यानी जिस जगह और वक्त पर ये कहानी हुआ हो उसको बयान करता है। नंबर 3, प्लॉट। इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये वाक़यात का एक सिलसिला होता है, एंड एक्शंस और अमलों का यानी किरदारों का, दैट रिलेट टू द सेंट्रल प्रॉब्लम, जो कि बुनियादी मसले के बारे से रिलेटेड हो यानी ताल्लुक रखता हो। एड हैज 3 पार्ट्स, और इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा बिगिनिंग, दूसरा हिस्सा मिडल और तीसरा हिस्सा एंडिंग। बिगिनिंग यानी शुरुआत, इसमें एड सेट्स द सेंस वेयर करेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड द सेटिंग इज डिस्क्राइब्ड। ये वो मंजर होता है जिसमें किरदारों के तारुफ और सेटिंग जो होती है उसकी बयान होती है। द बिगिनिंग इंक्लूड्स हु, व्हेन एंड वेयर। शुरुआत में से यानी बिगिनिंग में से हमें हु, व्हेन और वेयर के अल्फाज बनते हैं। नंबर 2, मिडल। इट टेल्स अस अबाउट ऑल द एक्शन इन अ स्टोरी। दरमियान में जो अमल, जो किरदारें यानी जो काम होते हैं उसको बयान करते हैं, तो वो तमाम एक्शन इसमें बयान होते हैं। एंडिंग, इट टेल्स अस हाउ द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड। ये हमें बताता है, यानी एंडिंग हमें बताता है कि मसला या एक तनाज़ा कैसे हल हुआ और आखिर में हम मोरल, इस कहानी का जो अखलाकी सबक होता है, जैसे अ लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम अ स्टोरी आर एक्सपीरियंस, वो सबक, वो अखलाकी सबक जो कहानी से सीखा जाता है वो कहानी के आखिर में लिखा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और प्रॉब्लम क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट मीन किसी से तनाज़ा यानी झगड़ा, और प्रॉब्लम जो मसला होता है। इट इज़ अ स्ट्रगल बिटवीन पीपल, ये लोगों के दरमियान
स्ट्रगल होता है। आर थिंग्स या चीज़ों के दरमियान इन अ स्टोरी, एक कहानी में, यानी जो जिस चीज़ पर तनाज़ा होता है ये वो बयान करता है। सल्यूशन, इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, ये कहानी का आखिर हिस्सा होता है। इट इज़ द पॉइंट, ये वो वक्त पॉइंट होता है, वो नुक्ता होता है, व्हेन वी लर्न व्हाट हैपन टू द करेक्टर्स, जब हम सीखते हैं कि किरदारों को क्या हुआ, आफ्टर द प्रॉब्लम इज सॉल्व, जब मसला हल हो जाता है। अब हम पेज नंबर 64 पर गैप समरी करेंगे। नंबर 4, रीड द फॉलोइंग माइंड मैप, नीचे दी गई माइंड मैप को पढ़ें टू फिल इन द गैप्स ऑफ अ समरी, के एक समरी के गैप जो है वो फिल हो जाए, यानी पूरे हो जाए या मुकम्मल हो जाए। तो पहले नंबर पर हमारे साथ रीड द टेक्स्ट केयरफुली टू गेट एन आइडिया, सबक को एहतियात के साथ पढ़ें कि आपको एक आइडिया जहन में आ जाए। नंबर 2, फाइंड द सेंटेंसेस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स, ओरिजिनल टेक्स्ट यानी ख़ास टेक्स्ट जो है, सबक जो है, इसमें वो सेंटेंस तलाश करें यानी पॉइंट करें, एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स, और कोशिश करें कि जो गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए आप शनाहत करें। नंबर 3, स्टार्ट विद द ईजीएस्ट गैप, और आसान ईजीएस्ट गैप से यानी आसान गैप से शुरुआत कीजिए। नंबर 4, फोकस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज नीडेड टू फिल इन द गैप, और इस बात पर तवज्जो रखें कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा इस गैप में मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत है इसकी। नंबर 5, ट्राई आउट डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स फॉर ईच गैप, और कोशिश करें कि मुख्तलिफ किस्म की मर्जी आप इस्तेमाल करें कि जिस गैप में अल्फाज आते हैं उनके लिए मुनासिब अल्फाज लगाएं। नंबर 6, री रीड द टेक्स्ट, सबक को दोबारा पढ़ें टू चेक द गैप्स और प्रॉपरली फिल्ड, और कि आप चेक करें कि ये खाली जगह ख़ास तरीके से पूर की गई है या नहीं। तो पेज नंबर 64 पर नंबर 7, रीड द स्टोरी अगेन, कहानी को दोबारा पढ़ें एंड कंप्लीट द गैप्ड समरी यूजिंग द वर्ड बैक, कहानी को यानी सबक को दोबारा पढ़ें और मालूम करें कि इस गैप में कौन से अल्फाज शामिल होते हैं जो कि हमें वर्ड बैंक दिए गए हैं, उसमें से लेजीनेस, अकबर, ऑलवेज, मिस्टेक और हार्ड वर्क आते हैं। तो पहले खाली जगह में अकबर आता है, दूसरी खाली जगह में हार्ड वर्क आता है, तीसरी खाली जगह में ऑलवेज आता है, चौथी खाली जगह में लेजीनेस आता है और आखिर में मिस्टेक आता है। तो ये समरी जो हमने पहले लिखी थी वो समरी इसमें भी शामिल की गई है। तो इसमें सिर्फ गैप की ज़रूरत थी जो कि हमने उस गैप को मुकम्मल कर दिए। अब हम पेज नंबर 65 पर सिलेबल डिवीजन है, यानी अल्फाज की तकसीम है कि अल्फाज को कितने सांसों में बोला जाता है और कितने सिलेबल में बयान किया जाता है। तो पहले हम सिलेबल की डिफिनीशन को पढ़ेंगे। व्हाट इज सिलेबल? अ सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ वर्ड्स, सिलेबल अल्फाजों का एक यूनिट होता है। कंटेनिंग वन वावल एंड यूजुअली वन आर मोर कंसोनेंट्स, जिसमें शामिल होता है एक वावल और एक या एक से ज़्यादा कंसोनेंट होते हैं। अ वर्ड कैन हैव वन आर मोर सिलेबल्स, एक लफ्ज में एक या एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। नंबर 1, रीड एंड से,
पढ़िए और कहिए द फॉलोइंग वर्ड्स नीचे दिए गए अल्फाज। नोटिस द सिलेबल डिवीजन इन देम, और अल्फाज के डिवीजन भी इसमें नोट कर लें। नंबर फर्स्ट लैंड, वर्ड में से हमारे साथ लैंड है, सिलेबल डिवीजन में इसमें एक वॉवल आया है तो इस ये एक साउंड में यानी एक सिलेबल में बोला जाएगा, जैसे लैंड। नंबर ऑफ सिलेबल भी इसमें एक है क्योंकि एक वॉवल है तो एक सिलेबल आएगा। नंबर टू पामर, पाम अर, तो पाम में एक वॉवल आया है और अर में भी एक वॉवल आया है, दो वॉवल है तो इसमें दो सिलेबल्स है। नंबर थ्री डायरेक्शन, डायरेक्शन, तो इसमें टोटल चार वॉवल आए हैं लेकिन पहले वॉवल डी आई के साथ आया है, दूसरा वॉवल आर ई सी और तीसरा वॉवल टी आई ओ एन, आई और ओ एक वॉवल कंसिडर यानी माना जाता है तो इसमें तीन सिलेबल है। डायरेक्शन। नंबर फोर नीबर, नी में से एन ई आई जो है एक वॉवल तस्वर किया जाता है और बर में बी एक वॉवल तस्वर किया जाता है, ओ यू एक वॉवल है और ई आई भी एक वॉवल साउंड पैदा करता है तो ये भी दो सिलेबल में डिवाइड किया गया है। नंबर पाँच लैमेंटेशन, लैम में एक वॉवल है, एन में भी एक वॉवल है, टे में भी एक वॉवल है और शन में दो वॉवल है लेकिन एक साउंड देता है तो इसमें चार वॉवल साउंड आ गए हैं तो ये चार सिलेबल में डिवाइड किया गया है। अब हम पेज नंबर 65 पर नंबर टू डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर सिलेबल्स, नीचे दिए गए अल्फाज को अपने सिलेबल में तकसीम करें विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी की मदद से, एंड आल्सो राइट देयर नंबर ऑफ सिलेबल्स, और उसके नंबर ऑफ सिलेबल भी लिखिए। तो नंबर फर्स्ट में हमारे साथ मैन एज है, मैन एज, तो मैन में एक वॉवल आया है और एज में दो वॉवल आए हैं लेकिन ये एक वॉवल तस्वर किया जाएगा। तो इसमें दो सिलेबल है। फिच, फिच में एक वॉवल आया है तो ये एक वॉवल साउंड देगा और ये एक सिलेबल है यानी इसमें एक सिलेबल है। एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में हमारे साथ चार सिलेबल है, एक्सपीरियंस। बिटरली, बिटरली में हमारे साथ दो वॉवल आए हैं लेकिन एल वाई बी वॉवल साउंड देता है तो इसमें तीन सिलेबल है। बिटरली, एल वाई में वाई जो है ये वॉवल साउंड देता है तो यहाँ पर तीन सिलेबल आते हैं। हर वेस्ट, हर में एक वॉवल आया है, वेस्ट में भी एक वॉवल आया है तो ये दो सिलेबल में डिवाइड किया गया है। अब हम पेज नंबर 65 पर अगला टॉपिक रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, नीचे दिए गए अल्फाज को अपने मानों के साथ पढ़ें। नंबर फर्स्ट कल्टीवेट, इंग्लिश मानी है टू प्रिपेयर एंड यूज लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स और क्रॉप्स, उर्दू मानी है काश्तकारी। नंबर टू फॉर्चुनेटली, इंग्लिश मानी है बाय गुड लक, उर्दू मानी है किस्मत से। नंबर थ्री लेमेंटेशन, इंग्लिश मानी है एन एक्सप्रेसिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट, उर्दू मानी है फरियाद। नंबर फोर अपोलोजाइज, उर्दू मानी है माफ़ी और इंग्लिश मानी है टू से दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नंबर फाइव फिच, इंग्लिश मानी है टू गो टू वेयर समबडी और समथिंग इज एंड ब्रिंग देम इट बैक।
उर्दू मानी है ले आना। For more updates, subscribe to our channel.